Sony Live. We live to entertain. सुंदर है ऐसे तो ये गिर जाएगी। कोशिश कर रहा था दादाजी और वो गिर गया। बड़ा मजा आया ना। कितना सुंदर है लेकिन ये है क्या? मोगली तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तुम्हें पता है जब तुम नदी में गिरे थे तो ये भी गिर गया था। हम इसे रुमाल कहते हैं। ये मुझे मेरी माँ ने दिया है। माँ जी? हाँ मेरी माँ ने। और वो जो वहाँ बैठे हैं वो मेरे दादाजी हैं। भोला दादाजी। कुछ समझ आया मोगली? दादाजी, भोला दादाजी। हाँ यही मेरे प्यारे भोला दादाजी हैं। बेटी देखो तुम अपने बूढ़े दादा को तंग मत करो। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। अब तुम धीरे धीरे समझ रहे हो। अब तुम सारी लकड़ियाँ जमा कर दो, पर इस तरह ढेर लगाकर नहीं। पहले इन्हें जमीन पर फैला दो ताकि सूरज की रोशनी में ये सूख जाए। बहुत अच्छे, तुम तो काफी होशियार हो। काफी होशियार हूँ मोगली। तुम्हें बोलना सिखाने के लिए मेरे पास एक तरीका है। मैं बात करता रहूँगा और तुम शब्दों को अच्छी तरह याद करते रहना। इसे आरा कहते हैं। लोहे की पतली चादर से बना है। लोहे की चादर से? हाँ लोहे की चादर में नुकीले दांत बनाकर। दांते बनाकर? मोगली, मोगली इधर आओ। मैं ये लकड़ी अकेले नहीं उठा सकती, मेरी मदद करो। अकेले ही उठाया? अरे वाह। ये लीजिए दाल। अरे वाह क्या खुशबू आ रही है और मुझे भूख भी लगी है। मोगली तुम भी खाओ ना, ये बहुत अच्छा है। ये इतना भी गर्म नहीं है। अच्छा नहीं लगा? खा करते देखो। मोगली को इसकी आदत नहीं, वो खाना गिरा रहा है। ये जंगल में पला हुआ है, इसलिए बिल्कुल जानवरों की तरह खाना खाता है।
ये सही है कि हमारी तरह मनुष्य है, लेकिन ये हमेशा जंगल में रहा, इसलिए हमारे तौर तरीके नहीं जानता। बेचारे को कभी सीखने का मौका ही नहीं मिला। दादाजी आप कहो तो मैं इसे मनुष्य के तौर तरीके सिखाऊं। तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम सीखना चाहते हो तो ठीक है, पहले खाना खा लो। ये नदी है। नदी? ये पानी है। पानी? वो बादल है। बादल? वो नीला आकाश। नीला आकाश? ये फूल है। फूल? कितने सुंदर फूल है ना। सुंदर फूल? सही कहा, सुंदर फूल, सुंदर। तुम्हें पता है मनुष्य की भाषा में इसी जंगल कहते हैं। जंगल कहते हैं? मैं अपने दोस्त मोगली के साथ हूँ। दो दोस्त जंगल में साथ साथ हैं। दो दोस्त जंगल में साथ साथ हैं। बहुत जल्दी सीख जाओगे मोगली। बोलो, राधा और मोगली दोस्त हैं। राधा और मोगली दोस्त हैं। एक बात बताओ मोगली, तुम इस जंगल में कैसे आ पहुँचे? बताओ, क्यों नहीं रहते अपने माता पिता के साथ? बोलो, बताओ ना, क्यों नहीं रहते अपने माता पिता के साथ? माफ करना, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। आओ थोड़ा और अभ्यास करें। वो देखो सूरज। वो सूरज है। और ये सारा जंगल। ये सारा जंगल। जंगल बहुत सुंदर है। जंगल बहुत सुंदर है। बताओ मोगली कहीं दिखाई दिया तुम्हें? नहीं, दिखा तो नहीं, लेकिन आएगा तो इसी रास्ते से। मोगली के साथ कहीं कोई हादसा तो नहीं हुआ बघीरा? मुझे पक्का पता है, उसके साथ जरूर कुछ घटना हुई है। वो इस तरह कभी गायब नहीं होता, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। कल तो वो ऐसे नाच रहा था जैसे कभी रुकेगा ही नहीं, और अचानक कुछ सोचने लगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा किची, जरूर हमसे कुछ छिपा रहा है। वो किसी मुश्किल में फंस गया है, वो मुसीबत में। भलू, लगता है मोगली आ रहा है। हाँ हाँ, मोगली ही है। मोगली, बाद में मिलता हूँ। अरे मोगली, रुको तो सही, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जल्दी बोलो, क्या बात है? बिना बताए कहाँ गायब रहते हो? हमें तुम्हारी चिंता रहती है, कहीं कोई हादसा न हो गया हो। तुम क्या बात कर रहे हो बलू? तुम सब जानते हो। जल्दी बोलो। हाँ बोलता हूँ। मेरा मतलब है तुम्हारे साथ कोई समस्या, मेरा मतलब कोई मुसीबत। क्या तुम किसी भी बात को सीधी तरह से नहीं समझा सकते बलू? खैर मैं समझाता हूँ। हम कई दिनों से देख रहे हैं मोगली, तुम्हारा बर्ताव काफी अजीब सा हो रहा है। अजीब सा? हाँ, कीची ने हमें बताया कि आजकल तुम बड़ी अजीब हरकतें कर रहे हो। इसे विश्वास है कि तुम जरूर किसी मुसीबत में फंसे हो, है ना कीची? हाँ, बताओ मोगली, तुम रोजाना दोपहर में कहाँ जाते हो? क्या, मैं कहाँ जाता हूँ? मैं तो जंगल में ही रहता हूँ। जंगल में ही रहते हो, क्या करते हो? तुम अपनी चोंच बंद रखो बघीरा, मैं जहाँ चाहूँ घूम सकता हूँ। कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? माफ कर दो, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। सच पूछो तो सब ठीक ठाक हो रहा है। मैं इस वक्त तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन एक दिन जरूर बताऊंगा। ये ऐसा काम है जिसे मैं खुद ही कर सकता हूँ। बुरा मत मानना बघीरा, चलता हूँ।
क्या है बोगली, इतना तेज दौड़ क्यों रहा है? ज्यादा कहाँ जाता है? राधा, 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 पता नहीं कहाँ चली गई। राधा, राधा, उसे यही कहीं होना चाहिए। राधा, माफ करना, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। मुगली, मैं तुमसे मजाक कर रही थी, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। शुक्रिया, शुक्रिया राधा। तुम कैसे बोलते हो? भोला दादाजी कहाँ हैं? अच्छा, तो तुम्हें पूरा वाक्य याद है? दादाजी जंगल में बहुत दूर गए हैं लकड़ियाँ काटने। क्या तुम चलोगे मेरे साथ मोगली? चलो। जंगल, जंगल, फूल, फूल, आकाश, आकाश, बादल, बादल, पानी, पानी, नदी, नदी। मेरा नाम क्या है? राधा। तो तुमने उसे ढूंढ लिया? मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो जंगल की तरफ जा रहा था। क्या वो अकेला था? वैसे मनुष्य कभी कभी सोचते हैं कि जंगल उनके बाप की जगह है, पेड़ काटकर हमारे लिए जाल बिछाते हैं, लेकिन मोगली को वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? वो तो नहीं जानता हुजूर, लेकिन मोगली बहुत चालाक है, हो सकता है कि वहाँ पर बहुत शिकार हो। वो मेरा इलाका है तवाकी, वहाँ मेरे सिवाय कोई शिकार नहीं कर सकता। अगर मोगली गया तो मैं खत्म कर दूंगा। आप गुस्सा मत कीजिए हुजूर, मुझसे गलती हुई। खामोश। अब देखता हूँ शेर खान का सामना कौन करता है। चलो तवाकी। लेकिन जाना कहाँ है हुजूर? आदमी के बच्चे को सबक सिखाने जा रहा हूँ। अब तक वो मेरे चंगुल से बचता रहा, लेकिन अब नहीं बच सकता। सामने आएगा तो किस्सा खत्म। ये लड़ाई देखने में तो बड़ा मजा आएगा। नहीं, आराम से, ये कोई प्रतियोगिता नहीं है, तुम्हें पहले मेरे साथ काम सीखना चाहिए। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, तुम कोशिश करो। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, ठीक है, अब आओ साथ में कोशिश करें। चलो शुरू करें। पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे, ठीक है, अब तुम करते रहो, बहुत अच्छे।
पीछे आगे 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 पीछे आगे। ओ मोगली, मैं तो भूल ही गई, मुझे आज सुबह फल लेने जाना था। मोगली, अब तुम्हें कुछ समय के लिए अकेले ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फल लेने जाना है। फल लाने? हाँ, नदी के पास फलों के बहुत सारे पेड़ हैं, जो मनुष्यों को बहुत अच्छे लगते हैं। चलो जल्दी से काम खत्म करें। आगे पीछे 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 आगे पीछे। अभी और कितनी दूर जाना है? बस पास ही हुजूर। कमाल है, मोगली आखिर चला कहाँ गया? उसे तो मैंने इसी रास्ते पर देखा था हुजूर, वो यहीं से भागता हुआ जा रहा था। मुझसे सब्र नहीं हो रहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने मोगली को ही देखा था? हाँ वही था, उसके सिवा कोई नहीं हो सकता हुजूर। मोगली के अलावा मनुष्य का बच्चा इस जंगल में दूसरा कोई नहीं है। आपने कुछ देखा हुजूर? बकवास बंद करो, वो कौन है? ऐसा लगता है वो मनुष्य की लड़की है कोई। वाह तवा की इस खूबसूरत तोहफे की उम्मीद नहीं थी। अच्छा शिकार है हुजूर। तुम्हारे लिए नहीं बच्चे, इंसानों का शिकार करने का मौका मैं किसी तरह भी नहीं गंवा सकता। तबाकी, तुम उसे पीछे से जाकर घेर लो, देखना वो भागने न पाए। बेवकूफ कहीं का। कौन है वहाँ? शायद कोई जानवर था, पर कौन सा? लगता है चला गया। बच गए, अगर ये भाग जाती तो शेर खान मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। मोगली, मैं भी आता हूँ। Oh!
मोगली, इसका मतलब मोगली भी यहीं आसपास होना चाहिए। क्या किस्मत है, अंधे ने मांगी थी आंख, भगवान ने दो दो दे दी। हंसी और खुशी छाई है चारों ओर, देखो आया मोगली आया, करे हंगामे और मचाए वो शोर, झूले वो कैसे मस्ती में अपने यार बलों को साथ लेके, ये नजारे उनको सिखाए जिंदगी ये कैसे चलती है। बगेरा भी मोगली का है दोस्त, फिर भी मोगली चलना संभाल के, शेर खान के जैसे दुश्मन रहते तो है हर दिशाओं में, सर उठा के चलो हौसला।